नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्वर माला के स्वर रि की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, रि की मात्रा बच्चों से बुलवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता, क्योंकि हम मियाँ बहुत स्मार्ट हैं। देखिए, दो अक्षर से बने रि की मात्रा के शब्द। अब बच्चे इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे हम ट्री बोलते हैं, तो ट्री बोलने की बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। तो ट्री में से जब बच्चे ट्री आराम से बोल लें, तो उसमें से ट हटा दीजिए। ट्री, री, री, इस तरह से री की मात्रा की प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों को। और री की मात्रा इंग्लिश के लेटर सी की तरह लगती है, और वो वर्ण की जो खड़ी डंडी है, जो स्टैंडिंग लाइन है, उसके नीचे लगती है। तो व और उसके नीचे रि की मात्रा लगते ही वो व्रि बन जाता है, मतलब व के बाद रि आ जाता है। तो हमने पहला शब्द ही ट्री लिया है। आइए पढ़ते हैं और मेरे बाद दोहराइए। व रि की मात्रा श, व्रि क्ष, वृक्ष। ग रि की मात्रा ह, गृ ह, गृह। म रि की मात्रा त, मृ त, मृत। न रि की मात्रा प, नृ प, नृप। क रि की मात्रा त, कृ त, कृत। म रि की मात्रा ग, मृ ग, मृग। त रि की मात्रा ण, त्रि ण, तृण। क रि की मात्रा प, आ की मात्रा कृ, पा, कृपा। घ रि की मात्रा ण, आ की मात्रा घृ, ण, घृणा। व रि की मात्रा थ, आ की मात्रा वृ, था, वृथा। क रि की मात्रा छोटी की मात्रा श, कृ, शि, कृषि। आइए बच्चों वापस से प्रैक्टिस करते हैं। वृ क्ष, वृक्ष। गृ ह, गृह। मृ त, मृत। नृ प, नृप। कृ त, कृत। मृ ग, मृग। तृ ण, तृण। कृ पा, कृपा। घृ णा, घृणा। वृ था, वृथा। कृ शि, कृषि। फिर बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक आप हिंदी पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।